रघुवंशी आपको लगातार बता रहा है कि कहाँ कहाँ किस तरह से वोटिंग हो रहा है और वोटिंग अभी चल रहा है। आज अभी हम इस वक्त खड़े हैं राऊ विधानसभा क्षेत्र में, ये विष्णुपुरी इंद्रपुरी वाला इलाका कहलाता है। देखिए यहाँ पर मैं जो दृश्य दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर बड़ी संख्या में मतदाता आए हैं और वोट डालने के लिए यहाँ पर कतार में खड़े हैं। हालांकि टाइम अब तक के 4 बज चुका है लेकिन कतार बनी हुई है। लोगों से पूछेंगे कि क्या सोचकर वो आपकी बार अपना वोट डाल रहे हैं, क्या सर क्या सोचकर आप आपकी बार अपना वोट डालने वाले हैं, क्या चाहते हैं, कैसा प्रत्याशी हो आपका? सर हम वोट डालने इसलिए आए हैं कि न्याय का साथ हो। जो आदमी जिस आदमी ने 1 रुपया भी चंदा नहीं लिया हमारे क्षेत्र में, पूरे राऊ विधानसभा में 1 रुपया भी जिस आदमी ने चंदा नहीं लिया उस आदमी को हम वोट देंगे। ये बड़ा फैक्टर था चुनाव के अंदर कि कौन चंदाखोर नेता हो सकता है, कौन नहीं है, कौन चंदे से राजनीति करता है। आपका क्या सोचना है, आप क्या सोचकर वोट डालने आए हैं? जिसकी छवि अच्छी हो, जो लोकप्रिय हो, जो सबका न्याय करता हो, सबको अपना परिवार समझता हो, हम उनको वोट। आप युवा हैं, आपकी क्या सोच है? बेरोजगारी है, साफ सफाई है, शहर का विकास है, एक अच्छा सौहार्दपूर्ण माहौल है, क्या सोच के आप वोट डाल रहे हैं? सबसे तो सबसे पहले इंसान ईमानदार होना चाहिए, जो अपने सारे जनता के कार्यों को सिद्ध करें। यहाँ पर जो जनता की परेशानी है उसमें वो 100% अपना इम्पोर्टेंस दे। यहाँ पे 24 घंटे प्रत्याशी जब आदमी फ़ोन करे क्षेत्र की जनता, उस समय वो उपलब्ध रहे। और विकास मेन चीज़, विकास है, उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। अगर व्यक्ति उपलब्ध है वहाँ पर तो निश्चित रूप से। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं कैसा प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा उम्मीदवार होना चाहिए और कैसा विधायक आप चुनना पसंद करेंगे? जो जनहित का कार्य करे, किसी को सुबह 8 बजे भी उसकी ज़रूरत हो तो वहाँ पहुँचे, ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए। राऊ विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है आपको, किस तरह के विकास की ज़रूरत है? हर क्षेत्र में विकास की ज़रूरत है राऊ विधानसभा को। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाएं भी, हम कोशिश करते हैं महिलाओं से ही बात करने की। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। आप क्या सोचकर वोट डालने आए हैं? बड़ा उत्सव है आज, क्या लग रहा है आपको, क्या सोच के आप वोट डालेंगे, कैसे कैसा प्रत्याशी चुनना पसंद करेंगे? जैसे कि अपना, जैसे जो अपनी सराउंडिंग होती है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होने चाहिए, ठीक है। और जिसको मैं वोट देना चाहती हूँ, मतलब चाह रही हूँ, तो उनको, मतलब मैंने ये सोचा है कि वो ज़रूर ऐसा, मतलब पिछला भी जो उनका रिकॉर्ड है उन्होंने किया है हमारे लिए, और आगे भी मतलब जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनसे, वो उसको ज़रूर पूरा करेंगे। आप एक महिला हैं तो आप क्या सोचती हैं महिलाओं को किस तरह की ज़रूरतें हैं और वो क्या प्रत्याशी महिलाओं की समस्याओं को और उनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतर पाएगा? जी बिल्कुल, जैसे महिलाओं का एक तो जॉब सेक्टर में थोड़ा उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, एजुकेशन में उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और जो उनका जॉब कंट्रीब्यूशन है मतलब वो इक्वल टू मैन होना चाहिए। तो समानता का अधिकार हर जगह होना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप युवा मतदाता हैं, इस बार आप क्या सोचकर वोट डालने आए? मैं इस बार यही सोच के, मतलब मैंने पहले इसमें वोट नहीं दिया तो मैं यही सोच के वोट देना चाहती हूँ कि मैं अगले 5 साल में उसे उन्हें देख पाऊँ, क्योंकि मुझे अभी पता ही नहीं था कि कौन है, क्योंकि मैंने उन्हें 5 साल में कभी देखा ही नहीं। दोनों नहीं, एक को देखा है, एक को मैंने जो अभी है उन्हें मैंने देखा ही नहीं है कभी, तो मैं यही देखना चाहती हूँ कि मैं उन्हें देखूँ 5 साल में, और जिन्हें भी देना चाहती हूँ उन्हें मैंने देखा है, तो मैं, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा हैं इसलिए। आप लोग क्या सोचते हैं, एकदम युवा हैं आप, क्या सोचते हैं, आपका क्या विज़न है, आप एजुकेशन को लेकर क्या सोचते हैं, आप स्वास्थ्य को लेकर क्या सोचते हैं, शहर की साफ़ सफाई को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा प्रत्याशी आपको चयनित करना चाहिए? जो काम में दिखे, जो आगे में 5 साल में आगे दिखे, वही फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो भी रहेंगे उनको वो दिखे जो भी है। आप क्या सोचते हैं? खाली विकास से तो कुछ हो नहीं सकता ना, बाकी भी, हाँ और भी बहुत सारी चीज़ें, विकास से ही अपना पेट तो भर नहीं सकते ना, बाकी आर्थिक भी होना चाहिए, बहुत सारी लेडीज़ों की प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व करना चाहिए, और ऐसा प्रत्यक्ष होना चाहिए जो हमारे बीच आके हमारी समस्या सुने और हमारी समस्या का हल कर सके। देखिए इस तरह का मतदाता की सोच है इस तरह की कि ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं वो लोग जो उनके बीच आ सके, उनकी समस्या को सुन सके, उनकी समस्या को जान सके। आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं इस बार, आप क्या सोच के वोट डालने आए हैं? देश के हित के लिए ज़रूरी है वोट डालना। बिल्कुल डालेंगे, वोट डालेंगे, बिल्कुल हमेशा डालेंगे। कैसा विधायक होना चाहिए आपकी नज़र में? कार्य करने वाला, कर्मठ होना चाहिए, सबके
काम जो भी बोले वो करे, ऐसा विधायक होना चाहिए, काम करने वाला विधायक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर काफ़ी लंबी कतार लगी है, राऊ विधानसभा है, मैं विशाल से कहूँगा दिखाएं आप कतार कितनी लंबी है। ये देखिए आप, और अभी 4 बज रहा है, ऐसे में मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है यहाँ पर। इसमें जितने पुरुष हैं उतनी ही तकरीबन महिलाएं हैं, तो ये दर्शाती हैं कि इस बार लोगों में काफ़ी दिलचस्पी है मतदान को लेकर और वे अपने मताधिकार का यहाँ पर इस्तेमाल करने पहुँचे हैं। राऊ विधानसभा सीट से किसी एक प्रत्याशी को चुनना है उन्हें। यहाँ पर जीतू पटवारी और मधु वर्मा के बीच मुकाबला है और दोनों ही नेता कद्दावर हैं। जीतू पटवारी यहाँ से वर्तमान विधायक हैं, मधु वर्मा पिछली मरतबा यहाँ से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे, उन्हें पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। लेकिन अब दोनों का फैसला धीरे धीरे करके ईवीएम मशीन में कैद होता जा रहा है और 3 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो ये घोषित हो जाएगा कि इस बार विधायक कौन बनने जा रहा है राऊ का। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।